आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें अपनी बदहाली बयां करने शुरू कर दी है। इस जल जमाव की समस्या से ग्रामीण वर्षों से जूझ रहे हैं। पूर्णिया के बाईसी प्रखंड अंतर्गत गांघर पंचायत के अमीरगंज वार्ड 11 स्थित पूर्णिया मोड़ से मालोपाड़ा तक जाने वाली सड़क झील में तब्दील हो चुकी है। हजारों के आबादी वाली ग्रामीणों के लिए यह जल जमाव एक समस्या बनी हुई है। पूर्व मुखिया परवेज आलम का आरोप है कि विकास के नाम पर बाईसी विधायक हो या फिर पंचायत के मुखिया, सब ने जनता के साथ छल किया है। कई बार जनप्रतिनिधियों से नाला निर्माण की मांग के बावजूद कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नूरानी ने बिहार सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बाईसी प्रखंड में जनप्रतिनिधि व अधिकारी की मिलीभगत से सभी विकास के योजना का बंटवारा कर अपने घर ले जाते हैं। क्या समस्या यहाँ पर? यह समस्या है कि ये सड़क जो है पूर्णिया मोड़ से मालोपरा घाट है, जो गांव पंचायत में पड़ता है, ये जो यहाँ पानी है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया और विधायक संसद सबको भाग गया, लेकिन कोई समस्या हल नहीं निकालता। और ये रोड जो है नीचा हो गया, दोनों तरफ से मिट्टी ऊपर हो गया है, जबकि इससे 40 फीट 50 फीट जो है इसके बाद भी जमीन है PW का, बिहार सरकार का। CO चाहे, विधायक और मुखिया चाहे तो 10 मिनट में खाली कर सकता CO को लेकर के। CO को जो है इस बात का, विधायक को जानकारी दिया गया, मुखिया को जानकारी दिया गया, जितना भी जनप्रतिनिधि है सांसद को दिया गया कि यहाँ पानी है, तो CO को लेकर के वो इस काम का जो हल कर सकता है, ईडी को बोल सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं मैंने हल कर रहा है। कब से यहाँ पर ये समस्या? कब से है ये? एक साल से है, जब से बारिश शुरू हुआ है पानी जमा हो जाता है और पानी निकाल, इसमें जो है कोई आना जाना इसका सबका बंद है। बताइए इस कौन पंचायत है? ये गांघर पंचायत है। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या क्या है कि लगभग 3 से 4 महीना के अंदर समस्या आई है जी। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क श्रीपुर मल्ला टोली से गांघर पंचायत लास्ट मोड़ का मालापुर तक लगा। कौन सड़क है ये? ये सड़क पैकेज सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है जी। इसको, इस समस्या को लेकर कभी जनप्रतिनिधि या अधिकारी से संपर्क किया आप लोग? हम तो नहीं किया, ग्रामीण किया है। हमको नहीं लग रहा कि ये जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दिया हो या फिर इस मामले में कहीं कोई आवाज अनुमंडल स्तर हो या अंचल स्तर हो, धन्यवाद। इस पे कितने लोगों का आना जाना होता है रोज? लगभग रोज का आना जाना 10,000 का अधिक। गादोलाल बसाक। कौन पंचायत है ये? गांघर पंचायत। अच्छा, ये समस्या कब से यहाँ पर है? समस्या मोटा मोटी जब से बारिश हुआ है उससे पहले से भी है। अच्छा, फिर ये पानी निकासी का रास्ता कोई निकला है? नहीं, निकासी का रास्ता तो है नहीं, चाहे दोनों तरफ घर का बसोबास है तो निकासी कैसे होगा? रोड है नीचा। इससे पहले जो बाढ़ के 16 में बाढ़ आया, बाढ़ के बाद रिपेयरिंग का पैसा आया, सब पैसा झोला में लेकर चला गया और रिपेयरिंग गांव में हुआ नहीं। रास्ता नीचा है, रिश्ता में मिट्टी नहीं गिरा तो पानी कहाँ से जाएगा? सरकार के पास पैसा है जो 8 पैसा देता है। आपका वार्ड? अच्छा, आपका वार्ड में जो कचरा भरा हुआ है प्रधानमंत्री सड़क में, ये कब से ये समस्या है और क्यों है भैया? ये समस्या इसी सीजन से है, जो दोनों एक साइड में मिट्टी पूरा भरने के कारण और सड़क वहाँ नीचा हो गया है और दूसरे साइड में आल बांध के रखा है। कोई भी पार्टी, हम लोग मुखिया मेंबर पंच गांव के 5 आदमी मिल करके हम लोग गए, वहाँ 2 बार गए इस पानी के समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बारे में फिर एक बार बैठक करके निर्णय लेंगे हम लोग, और उस निर्णय को भी अब हम लोग को सफलता नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई के माध्यम से इस महामारी को फैलने का डर वहाँ है। पानी जितना जल जमा हो रहा है तो महामारी भी फैलने का डर, बहुत पानी गंदा हो चुका है वहाँ का। तो वार्ड आपका है जी, 7 नीचे के तहत आप नाला बना सकते थे? नहीं, नाले का प्रयोग, हम नाले का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, मुखिया जी ने भी दिया था, जिनका जमीन है वहाँ साइड में, हम नाले का भी प्रबंध करने का भरोसा दिया,
कि आप लोग तैयार होइए, हम लोग नाला भी बना देंगे जिससे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी और बाकी लोगों को कठिनाई भी नहीं होगी। आपके सर वार्ड में सात नीचे का योजना के तहत काम ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या है? नहीं, हम सात नीचे के हमको जितना फंड मिला हम सात नीचे का पूरा काम कर चुके हैं। नाले का प्रबंध करना था, अब हम लोग सोच रहे हैं कि पानी तो नाले का पानी कहीं तो जाएगा, किसी क्या जमीन में जाएगा, प्राइवेट जमीन में जाएगा तो वो ना कर देता है, वो मना करता है कि हम पानी यहाँ पूरा गांव का या बरसात का पानी अपने खेत में नहीं लेने देंगे। तो वो जमीन सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी, वहाँ जमीन तो प्राइवेट है, सरकारी है। नाला का पानी जहाँ गिराएंगे सोचते हैं गिराने के लिए, वहाँ भी प्राइवेट है, इस वजह से नाला नहीं बन पा रहा है। जब इस मामले में एसडीएन न्यूज के रिपोर्टर ने पंचायत मुखिया से बात की तो उनका कहना है कि अमीरगंज के कुछ ग्रामीण अपने दरवाजे के सामने ही बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगाकर रखे हुए हैं जिससे बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। कई बार नाला निर्माण करने का कार्य चाहकर भी नहीं कर पाया। अगर ग्रामीण नाला निर्माण की जगह को छोड़ देते हैं तो तुरंत नाला का काम शुरू हो जाएगा।